अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यकूब टेक्निकल ट्रिक्स में खुश आमदीद। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोकिया 105 पड़ा हुआ है, ओपन किया है। ये बिल्कुल शार्ट है, सप्लाई पे लगा रहा हूँ अभी। ये आप सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल शार्ट है, बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अभी हम इसे चेक करते हैं, इसका ये जो मेन आईसी है ये शार्ट है इसका, तो अभी इसको हम सेट करते हैं। जो हीट गन होती है बिल्कुल नॉर्मली तरीके से चलानी पड़ती है कि आईसी को ज़्यादा हीट ना मिल सके। जी आप देख सकते हैं, तो हमारा आईसी जो है ना बोर्ड से रिमूव हो चुका है। आराम से जो है ना आयरन की मदद से आप जिसके बोल होते हैं उनको ओके करना है बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल ओके कर दिया है जो इनके बोल हैं आईसी वाले नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आईसी में जो एक इसमें बॉल होते हैं, एक बॉल इसका खराब है, अभी इसको ओके करते हैं। बाकी अगली वीडियो का ही जी आप दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्कुल आईसी ये भी ओके हो चुका है। हम दोबारा इसको लगाएंगे इस बोर्ड के ऊपर, इसके वो बिल्कुल जो बोल होते हैं ना आईसी के बिल्कुल ओके हो गए हैं। अभी यही आईसी जो है ना इस बोर्ड के ऊपर लगाएंगे दोबारा, नोकिया 105 है ये। Thank you.
आप आईसी लगाने से पहले जो है ना देख लेना है कि आईसी की डायरेक्शन कैसे है, जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आईसी दोबारा लग चुका है इस बोर्ड पे जो हमने रिमूव किया था नोकिया 105 से। तो पावर की पे लोड आ रहा है, इसको ठंडा कर लेना है सबसे पहले आपने। आईसी गर्म नहीं होना चाहिए, तो अभी चेक करते हैं सप्लाई पे लगा के कि हमारा बोर्ड ऑन हो गया या वैसे का वैसा शार्ट पड़ा है। तो अभी शार्ट तो नहीं बता रहा, आप देख सकते हैं जी। पावर पे तो लोड आ गया है, अभी सेट ऑन नहीं हो रहा हमारा। दोबारा चेक करते हैं आईसी को थोड़ी सी हीट देकर। आईसी लॉक तो बिल्कुल ओके गया है, फिर इसमें से कोई बॉल जो है था नीचे नहीं लगते आईसी के बोर्ड में। तो आईसी को थोड़ा सा जो आप हिला सकते हैं ऊपर नीचे की फिर जो बोल ख़राब होते हैं ना इसके ओके हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर ट्यूज़र रख के दबा के रखना है
दोबारा इसको ठंडा करते हैं। चिमटी लगा लिया, अभी इसको सप्लाई पे लगा दिया हमने। आईसी हमारा लग चुका है, शार्ट नहीं है अब बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए ऑन हो गया हमारा सेट। अभी एलसीडी इसकी वाइट आ रही है, क्योंकि एलसीडी का इसका मसला है, क्योंकि पानी में गया हुआ था ये सेट बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये देखे बिल्कुल ओके है, चल रहा है, वर्क कर रहे हैं। सेट तो हमारा बिल्कुल आईसीओ के लग चुका है। तो अभी इसको ऑन करते हैं दोबारा से, क्योंकि एलसीडी में प्रॉब्लम है। आप सप्लाई पे देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, यहाँ से देख सकते हैं ये एलसीडी। एलसीडी सोल्ड करके आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देखे प्रिंट बिल्कुल खराब हुए पड़े हैं एलसीडी के, तो थोड़ा सा इनको मैं सोल्ड कर लेता हूँ चेक करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा सोल्ड कर लिया इनको। देख सकते हैं कि एलसीडी की अभी दोबारा डिस्प्ले आ चुका है, लाइट भी जल चुकी है और हमारा सेट ओके है। अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।